बागेश्वर में इन दिनों पैराग्लाइडिंग शिविर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बना हुआ है। जिले में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण लेने कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों के युवा पहुंचे हुए हैं और यहां के प्रशिक्षण क्षेत्र में 10 दिन का पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहां युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे फ्लाई हिमालय एडवेंचर नॉट के ट्रेनर विष्णु शर्मा ने बताया कि युवाओं को बेसिक कोर्स के बाद जिले में चलाए जा रहे शिविर में छोटी उड़ान, लंबी उड़ान, हवा की रफ्तार पकड़ने जैसे गुण सिखाए जा रहे हैं। वहीं से लेकर प्रबंधक जगदीश जोशी का कहना है कि पैराग्लाइडिंग के लिए क्षेत्र में और विस्तार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी पैराग्लाइडिंग के माध्यम से जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है। एक्चुअली क्या है, इनका जो सेकंड लेवल का ट्रेनिंग है, जैसे हम फर्स्ट में इनको बेसिक सिखाते हैं, बेसिक में क्या होता है P1 P2 होता है हमारा, जिसमें हम लॉन्च करना सिखाते हैं प्लस लैंडिंग सिखाते हैं, तो बेसिक में इतना ही बंदा कवर कर पाता है, इससे ऊपर कवर नहीं कर पाता है बेसिक में। तो बेसिक के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इंटरमीडिएट, उसके लिए हमने इनको बुलाया हुआ है। इंटरमीडिएट में जैसे हम सिखाते हैं, बंदा खुद से टेकअप करता है, खुद से लैंडिंग करता है, अपना 360 करता है, एस्टर्न करता है, उसके बाद लिफ्ट गेन करने के तरीके सीखता है कि हाइट कैसे गेन करूं, कैसे लैंडिंग होगी, एक्सरसाइज सीखता है। अगर बाय द वे कभी हवा में हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उससे रिकवर करने के तरीके, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं। बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं, बस ज़रूरत है पैराग्लाइडिंग के टेकअप और लैंडिंग साइटों को थोड़ा विकास की ओर ले जाना। आने वाले समय में अगर प्रशासन हमें मदद करे और साइटों को डेवलप करे तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ सकता है। लोग यहाँ सीखने के लिए बाहर बाहर राज्यों से आने के लिए तैयार हैं और आके सीख भी रहे हैं। बागेश्वर में दुलम, कपकोट, ये दो स्थान हैं फिलहाल ट्रेनिंग देने के लिए। और भी हमने जगह चयनित की है जिन्हें थोड़ा डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। और अभी बाहर के बच्चे हमारे पास, आज 8 बच्चे बाहर के आए हुए हैं, बाहर राज्यों से, जो कि यहाँ पर हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो हमारे बागेश्वर जनपद के लिए बहुत बड़ा दिन है। पहले एडवेंचर रोड की तरफ से हो, और अभी ये जो बाइट का जो अभी ये वीडियो बन रही है, ये इसलिए बन रही है क्योंकि अभी हमारा कोर्स चल रहा है P3 कोर्स, तो इसके तहत ये अभी वीडियो बनाई जा रही है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी साइटें हैं, तो बहुत जगह हमारी साइटों में अभी काम करना बाकी है। जैसे कि अभी जो हमारा जो भराड़ी जगह में जो है दुलम, वहाँ पर भी थोड़ी वायरें हैं और थोड़ा खेत में भी थोड़ा काम करना बाकी है। और एक हमारी साइट है पुलिस लाइन पे, तो वहाँ पर भी अभी थोड़े पेड़ काटने, और उसको अभी 2 साल से ऊपर हो गया और अभी तक पेड़ कटे ही नहीं है। और जैसे जौलगांडे हैं तो वहाँ भी हम काफ़ी टाइम जाते हैं पर वहाँ से भी फ्लाइंग नहीं हो पाती है। तो गाँव वाले भी थोड़े सपोर्टिव हैं बट प्रशासन की तरफ से ही हमें सहायता नहीं मिल पा रही है। पैराग्लाइडिंग का हमारे नवयुवक पीढ़ी जो आती है, तो नवयुवक पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। जो इसको सीखना चाहती है वो तो बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए कोशिश करें, हम भी इसमें लोगों को मोटिवेट करेंगे। और जो अपना पर्यटक के लिए आगे को हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोप हैं, पिंडारी ग्लेशियर है और आगे सौधारा है, सरमुल धारा है, इसके लिए ये इसको बहुत अच्छा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से हमको छलांग लगाने को मिलता है और भी हवा में कलावंटी दिखाने को मिलता है, हवा में कर्तव्य दिखाने को, अपना पराक्रम और कर्तव्य दिखाने का ही इसमें कला है। वहीं बाहरी राज्यों से बागेश्वर पहुंचे युवाओं का कहना है कि वे यहां पर पहाड़ की खूबसूरत वादियों के बीच प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो कि उनकी पूरी जिंदगी का बेहद ही खूबसूरत अनुभव रहेगा। साथ ही शिविर में मौजूद बागेश्वर के युवाओं का कहना है कि जनपद में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पैराग्लाइडिंग फ्लाई के लिए चुने गए क्षेत्रों का विकास होना बेहद जरूरी है, जिससे प्रशिक्षण ले रहे युवा जनपद में पैराग्लाइडिंग से रोजगार को बढ़ावा दे सके। नमस्ते, मेरा नाम दानिश है, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग की थी बेसिक की निमास से, तो वहाँ पे सर मिले थे, उनके साथ सीख के बहुत अच्छा लगा था, उसी को कंटिन्यू करने के लिए आगे फिर यहाँ ज्वाइन किया। तो आगे उम्मीद है कि लाइक हम लोग इंडिविजुअली फ्लाई कर सकें और खुद अकेले क्रॉस कंट्री और ऐसा लॉन्ग रेंज फ्लाई कर पाए, उसी के लिए ये यहाँ सिखाए जा रहे हैं हमको। और अभी आपका जो लर्निंग पीरियड है वो कैसा चल रहा है? अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, लेकिन लाइक इन अ पीरियड ऑफ लाइक वन लाइक दे गिव ट्रेनिंग फॉर 8 डेज, सो उसके बाद हम लोग सोलो फ्लाई करने के लिए काबिल हो जाएंगे।
और जो एरिया आपको दिया गया उस एरिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एरिया बागेश्वर और ये उत्तराखंड मतलब पहली बार आए हैं और बहुत खूबसूरत है। वैसे मैं राजस्थान से हूँ और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी शुरू कर रहा हूँ। और अभी जो लर्निंग पीरियड चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं सर, और कुछ भी गलतियाँ करते हैं तो वहीं पर बता देते हैं, तो बढ़िया एक्सपीरियंस चल रहा है। जो फील्ड वर्क आप लोगों ने इससे पहले सुबह किया तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा था, कुछ गलतियाँ की सर ने, हमें बताया कैसे सही करें उन्हें, कल फिर से जाएंगे तो उनको इम्प्रूव करेंगे हम। और पैराग्लाइडिंग चूज करना आपका क्या मोटिव था इसके पीछे कि पैराग्लाइडिंग ही मेरे को करनी है? मैं कॉलेज में भी चीज़ों को प्लेन्स वगैरह बनाता रहता था, थोड़ा रिजनेबल चीज़ें पसंद थी मेरे को, तो मैं खुद भी ट्राई करना चाहता था पैराग्लाइडिंग वगैरह, तो इंटरेस्टिंग लगी थी। मेरा नाम सुशांत है, मैं कोलकाता से आया हूँ, और इसके पहले यहाँ पे जो हम लोग सीख रहे हैं P3 या इंटरमीडिएट पैराग्लाइडिंग लेवल है, और यहाँ पे इसके पहले मैंने P1 P2 किया था अरुणाचल में, और वहाँ पे तो बेसिक किए थे। उसके बाद जो सीखना है कैसे अच्छे टेक ऑफ करना है, कैसे हाइट से टेक ऑफ करनी है, कैसे अच्छे से लैंडिंग करनी है, और कैसे बैड वेदर से बचना है, गुड वेदर में कैसे अच्छे से फ्लाइंग करनी है, ये सब जो टेक्निक्स है ये सब सीखने के लिए हम इधर पे आए हैं। और इधर आके मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के जो टेक ऑफ साइट है, लैंडिंग जोन है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स है वो बहुत ही अच्छे। पैराग्लाइडिंग अपना एक अनोखा अनुभव है, धरती से हजारों फुट ऊपर से आप जमीन की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो ऐसे खूबसूरत एहसास में रोजगार की कई संभावनाओं के साथ युवा बागेश्वर में उड़ाने भर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि प्रशिक्षण ले रहे बागेश्वर के युवा जिले को पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में कितना निखार पाते हैं। सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वाट की लाइट्स में 6000 वाट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी, और घर लेकर आइए सोलर एसी और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंडेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए, ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।